हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने नारसिंह पंचायत के ककड़ियाड़ गांव में नुक्कड़ सभाओं द्वारा सुजानपुर के प्रत्याशी प्रेम कुमार धूमल के पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर नारसिंह पंचायत से भाजपा के कार्यकर्ता होशियार सिंह, अमित कुमार, विजय ठाकुर, संजीव कुमार, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं काफी संख्या में ककड़ियाड़ गाँव के लोगों ने भी नुक्कड़ सभाओं में भाग लिया। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुजानपुर से इस बार विधायक मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलेगा, इस बार इसीलिए भाजपा के पक्ष में वोट करें और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं। मिलता है कि किसी इलाके से और विशेष तौर पर हमारे जैसे जिला हमीरपुर के छोटे गांव से किसी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बार नहीं दो बार बनने का अवसर मिला हो, धूमल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज मैं उस विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं जिसको पुरानी बंसन के रूप में जाना जाता है। यहां के ही मेरे कार्यकर्ता मित्रों ने, जनता ने धूमल जी को रिकॉर्ड 26,000 से ज्यादा मतों से जिताया था, वो रिकॉर्ड भी आपने यहां से बनाया था। होशियार जी, पूरनचंद जी, ये जिम्मेदारी आपकी है। एक दो लोगों के नाम आए जो बाहर चल रहे हैं, उनका व्यक्तिगत कोई लाभ दूसरी तरफ हो सकता है, लेकिन हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए हमारे अपने इलाके का व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। ये 70 सालों में पहली बार 1998 में हुआ। और ये मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मौके बार बार नहीं आते। नेता बनाने में 3-3 पीढ़ियां चली जाती तब भी उस इलाके से नेता नहीं बनता। बड़े जिले होंगे, हमसे बड़े बड़े जिले बहुत है, कांगड़ा है, मंडी है, शिमला है, बराबरी के भी बहुत है, जनसंख्या में हमसे ज्यादा है, लेकिन ईमानदार और मेहनती नेता आपने अपने बीच में से प्रेम कुमार धूमल जी को चुना। कि मोदी जी जैसा व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भी मंच से कहा कि धूमल जी को विकास वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किया जाता है। सड़कें हजारों किलोमीटर बनानी, हजारों मेगावाट के पनबिजली परियोजनाएं चलानी, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर देना, पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना, ये कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं कर पाया। आपका अपना प्रेम कुमार धूमल ने करके दिखाया।